और आप देख रहे भारत 24 बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश में तीसरी बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव और लोकसभा स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे मतदान होगा। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार और एनडीए ने एक बार फिर स्पीकर के लिए उम्मीदवार बनाया है। दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले बीजेपी नेता होंगे और तीसरी बार कोटा बूंदी से सांसद चुने गए हैं ओम बिरला। सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आज होना है मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देश में तीसरी बार होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव और लोकसभा स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे मतदान होगा। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं और एनडीए ने एक बार फिर स्पीकर के लिए उम्मीदवार बनाया है। दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले पहले बीजेपी के नेता होंगे और तीसरी बार कोटा बूंदी से सांसद चुने गए हैं ओम बिरला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और आज आपको बताते चले कि अध्यक्ष पद के लिए लोकसभा स्पीकर के लिए आज सुबह 11 बजे मतदान होगा और देश में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आज होना है मतदान। तो लोकसभा में आज अध्यक्ष पद के लिए तीसरी बार चुनाव होगा और 17वीं सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था ओम बिरला को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के लिए आज मतदान होना है।